अभी के इस वीडियो सेशन में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें कंप्यूटर के जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, जो डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उनको सिस्टम के साथ हमें कैसे जोड़ना है, चाहे वो सीपीयू है या सिंपल लैपटॉप है, इनमें डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट केबल्स किस तरीके से कनेक्ट करिए, इन पार्ट्स को किस तरीके से कनेक्ट करना है। मान लो हमें लैपटॉप के साथ जो हमारा यूएसबी माउस है, इसको हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास यूएसबी केबल है माउस की, और इस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर लैपटॉप में ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें लगाएंगे तो इस तरीके से हमारा जो ये माउस है ये कनेक्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर हमारे पास यूएसबी जो है ये कीबोर्ड है, तो इसका जो यूएसबी केबल है इसको हम इसी तरीके से यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे, तो ये हमारा जो है कीबोर्ड ये कनेक्ट हो गया। अगर हमें स्पीकर जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो ये स्पीकर का जो है ये हमारे पास ऑक्स केबल है, इसको हम यहाँ पर ये इसका स्लॉट बना है इस तरीके से, इसमें हम लगाएंगे और हमारा जो स्पीकर है ये भी कनेक्ट हो गया। और अगर हमें प्रिंटर जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास प्रिंटर का यूएसबी केबल है, तो ये हम यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के अंदर ये केबल लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा प्रिंटर भी कनेक्ट हो गया। और अगर हमें प्रोजेक्टर जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो प्रोजेक्टर का जैसे ये हमारे पास वीजीए केबल है, तो ये प्रोजेक्टर के साथ हमें कैसे कनेक्ट करना है, तो जैसे हमारे ये लैपटॉप में ये वीजीए पोर्ट बना है, तो इस वीजीए पोर्ट में हम ये प्रोजेक्टर का केबल लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टर भी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या है कि हमारे पास जो नए वर्जन के लैपटॉप हैं उनमें ये जो वीजीए पोर्ट नहीं बना होता है, उनमें एचडीएमआई पोर्ट होता है, तो इस वीजीए केबल को हमें एचडीएमआई पोर्ट में किस तरीके से लगाना है, तो उसके लिए हमें एक एचडीएमआई केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एचडीएमआई कनेक्टर होगा, एक एचडीएमआई कनेक्टर जो है हमारी इस वीजीए केबल को एक एचडीएमआई केबल बना लेगा, तो इसके लिए हमें ये जो कनेक्टर है ये इस तरीके से इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा HDMI कनेक्टर जो है अब हम इस लैपटॉप के अंदर जिसमें हमारे पास HDMI पोर्ट बना है उसमें हम लगाएंगे, तो ये हमारा केबल जो है प्रोजेक्टर का HDMI पोर्ट के अंदर ये कनेक्ट हो गया। अब ये प्रोजेक्टर जो है हमारा ये स्क्रीन को वहाँ डिस्प्ले कर रहा है, लैपटॉप की स्क्रीन को। अब हमें अगर विजुअलाइजर को हमें सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट हम इसको इसी तरीके से हम जिस तरीके से प्रोजेक्टर कनेक्ट किया है उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमें टू वे में चलाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो प्रोजेक्टर का केबल है ये हमें विजुअलाइजर के पीछे हमें लगाना है। ये प्रोजेक्टर का केबल हमने प्रोजेक्टर का केबल हमने विजुअलाइजर के साथ लगाया, और ये देख लीजिएगा जैसे हमारा ये विजुअलाइजर जो है अभी मैंने यहाँ इसकी इस टॉप पे माउस रखा है और ये माउस को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हो गया हमारा हाउ टू कनेक्ट विजुअलाइजर विद द प्रोजेक्टर। और अगर हमें लैपटॉप को भी और प्रोजेक्टर को भी टू वे में चलाना है, यानी स्विच ओवर करके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्टर का केबल है इसको हमें इसकी HDMI केबल के साथ या इसके कनेक्टर के साथ लगाना है सिस्टम के साथ। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर जैसे ये अभी विजुअलाइजर चल रहा है और अगर हमें स्क्रीन दिखानी है लैपटॉप की, तो यहाँ पर ये स्विच बना है या बटन है, इसको मैं स्विच ओवर करूँगा, तो इस तरीके से हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो अभी आपको दिखेगा। इसी तरीके से जैसे मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ओपन करनी है, जब वो ओपन करूँगा और फिर मुझे वापस विजुअलाइजर के ऊपर आना है, तो मैं वापस इसी को एक बार क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोजेक्टर जो है वो रन करेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द पार्ट। और एक चीज़ और जो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, इसका जो ये केबल है यूएसबी केबल, ये भी हम इस तरीके से लैपटॉप के साथ लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर लगा के तो हम कोई काम जो है राइटिंग का काम जो है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, या हाउ वी कैन कनेक्ट डिफरेंट टर्मिनल्स, और हाउ वी कैन असेंबल डिफरेंट टर्मिनल्स विद द लैपटॉप और विद द सीपीयू।